नमस्कार। अब हम एक से अधिक यादृच्छिक चरों के सप्रतिबंध घनत्व की चर्चा करेंगे। सप्रतिबंध घनत्व, सप्रतिबंध बंटन एवं सप्रतिबंध प्रत्याशाएं। यदि हमारे पास यादृच्छिक चर एक्स एक से एक्स के ज्ञात हैं एवं इस सूचना को प्रतिबंध के रूप में प्रयोग करके हम एक्स के जमा एक से एक्स एन का सप्रतिबंध घनत्व फलन जहां एक्स एक से एक्स के उपस्थित हैं, इस प्रकार एक्स एक से एक्स एन एफ एक्स एक से एक्स के। यह हमारी पूर्व चर्चा से सरल था, किंतु बताना आवश्यक था। इसी श्रृंखला में इसी प्रकार एफ एक्स एन के जमा एक उपस्थित एक्स एक से एक्स के बराबर है समाकलन अनंत से एक्स एन माइनस अनंत से एक्स जमा एक एफ यू एन यू के जमा एक उपस्थित एक्स एक से एक्स के डी एक्स के जमा एक से डी एक्स एन। यह इसी प्रकार हम यह भी लिख सकते हैं कि यदि हम इसी प्रकार हम एफ एक्स एक से एक्स एन को अब यदि हमें एफ एक्स एक से एक्स एन एवं वाई एक से वाई एम ज्ञात है एवं हम किसी एक्स पर निर्भरता समाप्त करना चाहते हैं जैसे एक्स के पर निर्भरता समाप्त करना चाहते हैं, तब एफ एक्स एक एक्स के माइनस वन एक्स के जमा एक एक्स एन उपस्थित वाई एक से वाई एम बराबर है समाकलन अनंत से अनंत एफ एक्स एक से एक्स एन वाई एक से वाई एम डी एक्स के। यह सरल है। उसी प्रकार यदि हम वाई एल पर निर्भरता समाप्त करना चाहते हैं, तब हम लिखेंगे एफ एक्स एक से एक्स एन उपस्थित वाई एक से वाई एल माइनस वन एल प्लस वन वाई एम। यह राक्षस बराबर है अनंत से अनंत
एफ एक्स 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 एन वाई एक्स वाई एम वाई एल डी वाई एल। यह जिस प्रकार हमने अनेक यादृच्छिक चरों के संदर्भ में यादृच्छिक घनत्व फलन एवं बंटन फलनों को देखा, अब उसी प्रकार हम सप्रतिबंध प्रत्याशाएं भी परिभाषित कर सकते हैं। अब प्रत्याशित मान x1 उपस्थित x2 से xn बराबर है x1 f x1 उपस्थित x2 से xn dx1। यह हम यह तर्क कर सकते हैं कि अथवा हम यह दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में यह दिखा चुके हैं कि यह x1 उपस्थित x2 से xn वास्तविक रूप से x2 से xn इन यादृच्छिक चरों का फलन है, एवं इनमें से किसी भी चर पर से निर्भरता हटाने के लिए इसे उस चर के फलन से गुणा करके समाकलित कर सकते हैं, इससे वह निर्भरता चली जाएगी। इसी के साथ अनेक यादृच्छिक चरों की सप्रतिबंध प्रत्याशाओं एवं सप्रतिबंध घनत्वों की हमारी चर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद।